नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, आप सबके सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार दरोगा के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसमें सुपर प्रैक्टिस सेट आज हम नंबर 8 करेंगे। ठीक है, देखिए कल प्रैक्टिस सेट नहीं आया, एक दो दिन से इसलिए नहीं आ रहा था कि थोड़ी सी तबीयत मेरी नासाज है। और आज भी मैं अगर वीडियो के बीच में मुझे खांसी वासी हो तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरदार सर्दी हो रखी है। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का जो प्रैक्टिस सेट है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले आपने जितने भी अगर प्रैक्टिस सेट हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, अगर नहीं देखा है आपने तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सीधा प्लेलिस्ट दे दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली सारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, इसका जो कट ऑफ होगा वो होगा 71 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे और इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? इसमें कौन करता है यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए CACP के द्वारा किया जाता है, CACP के द्वारा ये किया जाता है। देखिए इस कृषि मूल्य आयोग का गठन जो है ना, इसका कब हुआ था? 1965 में इस संस्था का गठन किया गया था, 1965 में, तथा 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP कर दिया गया। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। ठीक, चलिए दो नंबर देखते हैं। भारत में दूध उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसकी जो शुरुआत हुई थी देखिए, वो था साल 1970 में। बी हमारा सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि करना था और करेंट टाइम में भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है ना, पूरे विश्व में इंडिया ही सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। ठीक है, देखिए इंडिया में जो ऑपरेशन फ्लड जो ये हुआ था, ऑपरेशन फ्लड इसका जनक किसको माना जाता है? ऑपरेशन फ्लड ये जो हुआ था इसका जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है। तीन नंबर देखते हैं। देखिए भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोक्ता वैट मॉडल पर आधारित है? देखिए ये जो आधारित है ना, ये है कनाडा के उपभोक्ता वैट मॉडल पर। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। सबसे पहले वर्ल्ड में GST को फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, और भारत में GST 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया, और भारत में जो GST मॉडल है वो कनाडा देश के GST मॉडल से कॉपी किया गया है। ठीक, चार नंबर, निम्न में मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? देखिए मुद्रा का वो रूप जो संकीर्ण मुद्रा कहलाता है वो है देखिए M1, ए हमारा सही हो जाएगा। पाँच नंबर देखते हैं, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो ये सेट जो है ना, ये थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम सेट है। छः नंबर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है ये करा था देखिए 18 मई 1974 को। ठीक है, इन्होंने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सात नंबर, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है देखिए 21 मार्च को, बी सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राइट, 9 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन संकटापात्र जाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जाम्पल्स हैं? नहीं है, तो यहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का उदाहरण नहीं है वो है देखिए डोडो पक्षी, सी करेक्ट हो जाएगा। कस्तूरी मृग यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ, ये सब जो है ना संकटापन्न जातियों के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं का ये एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन डोडो पक्षी जो है, डोडो पक्षी, डायनासोर, ये सब जो है विलुप्त तो जातियों के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब खत्म हो रखे हैं, अब ये नहीं पाए जाते। ठीक, 10 नंबर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय ये कहाँ पे है? देखिए इसका जो मुख्यालय है ये है कहाँ पे? नैरोबी में, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। ठीक, नैरोबी कहाँ है? केनिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। किसका? विश्व राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? देखिए 22वें तीर्थंकर की अगर हम बात करें, उनका नाम है अरिष्टनेमी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दो ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और आखिरी वाले की बात की जाए तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया?
इसका प्रमाण किस साहित्य में प्राप्त होता है? देखिए, इसका जो प्रमाण मिलता है वो हमको मिलता है कहाँ, तो दीपवंश और महावंश, ये ए और बी दोनों में ही इसका प्रमाण हमको मिलता है। 13 नंबर, धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों जो है ना, देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ये लोग रहते थे, ठीक है। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, किन में? चंद्रगुप्त सेकंड दरबार में, जिनमें धनवंतरी और कालिदास भी प्रमुख थे। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ही बौद्ध यात्री फाहियान जो है भारत आया था, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहकर पुकारा था? साहेब बेखबर जो कहा था इतिहासकार जिसने बहादुर शाह को, वो था देखिए खफी खान। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट, ये देखिए बहुत बुजुर्ग था, 65 साल के उम्र में ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और इसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना का परिचय देते हुए उनसे युद्ध ना करने की नीति अपनाई और उनके साथ काफ़ी सारा कोलैबोरेशन भी करा था इसने। 15 नंबर देखते हैं, चलिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, चौसा का युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था देखिए 26 जून 1539 में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 16, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो बंगाली भाषा में जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था, वो जो बंगाली में पहला जो लैंग्वेज में समाचार पत्र था, वो था देखिए दिग्ध दर्शन। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरी तरह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन, और उदंड मार्तंड हिंदी में प्रकाशित होना पहला अखबार था, ठीक है। जेम्स अगस्टिन हिक्की के द्वारा, ठीक है, बंगाल गजट जो निकाला गया था वो भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका लैंग्वेज इंग्लिश था। चलिए 17 नंबर देखते हैं, रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इसका जो गठन है ये हुआ था देखिए लॉर्ड कर्जन के टाइम में, सी करेक्ट हो जाएगा। 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसका गठन किया गया था और रेले के अध्यक्षता में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी गई थी। 18, ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? देखिए, ब्रोकन विंग पुस्तक के जो लेखक हैं, अगर इनमें से हम बात करें, तो ये हैं देखिए सरोजनी नायडू जी। बी हमारा सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है, ठीक है, ब्रोकन पुस्तक, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये लेखक ये लिखी गई है, राइट। और इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देने का स्वीकार किया गया? तो मिल मालिकों के द्वारा जो है देखिए 35% बोनस देने का स्वीकार किया गया था, डी करेक्ट हो जाएगा। 20, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना जो है देखिए ये आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, आनंद मोहन बोस इंडियन सोसाइटी का गठन इन्होंने करा था। 21 नंबर, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो वो जो अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था वो है देखिए 50वें नंबर का अधिवेशन, ठीक है, ये जो है प्रथम ऐसा अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ। इसका आयोजन फैजपुर बंगाल में हुआ था, कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। 22 नंबर, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो ये समाप्त हुआ था, देखिए ये कब हुआ था, किसके द्वारा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये समाप्त किया गया था, बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? जजिया कर को दोबारा से जो लागू किया गया था ये 1679 में लागू किया गया था, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। औरंगजेब ने इसको दोबारा से 1679 में लागू कर दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेज भी कहा जाता है, ठीक है। और अकबर के द्वारा 1564 में इसको समाप्त किया गया था। चलिए 24 नंबर देखते हैं, 24 नंबर है हमारा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? देखिए इलाहाबाद में जो इसका नेतृत्व हुआ था ये किया था देखिए लियाकत अली ने, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? नाइट की जो उपाधि है देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वापस कर दी गई थी। 26 देखते हैं, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये 1971 में किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 27, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रागवेली का संबंध किस देश से है? तो ट्रागवेली का जो संबंध है ये है देखिए किस देश से, तो ये है नॉर्वे से,
सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो वैजयंती माला जो है ना, देखिए बहुत ही विख्यात और एकदम वेटरन डांसर थी ये भरतनाट्यम की। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान यहाँ पे सही नहीं है? सॉरी, तो यहाँ जो मिलान सही नहीं की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो सही नहीं मिलान है वो है, देखिए, शंकर दयाल शर्मा, चैत्रा भूमि, ये गड़बड़ है। शंकर दयाल शर्मा जो है ना, इनका मिलान हुआ कर्म भूमि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया? तो भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण जो है ये करा था PSLV XLC-25 के द्वारा। बी हमारा सही हो जाएगा। 31, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये जो अधिकतर जैव विविधता वाला जो प्रदेश होता है, बायोडाइवर्सिटी वाला, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ मतलब क्या है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मतलब होता है वो होता है वायुमंडलीय कार्बन ऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। ए यहाँ हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 33 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अगर हम बात करें जो नहीं है वो है, देखिए, परमाणु ऊर्जा। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जिनके साथ लगती है, अगर हम उनकी बात करें, करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए करेक्ट हो जाएगा, देखिए, भूटान, चीन और म्यांमार, इन्हीं के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। भूटान, चीन, म्यांमार। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र जो है ये है, देखिए, कोचीन। बी सही हो जाएगा। 36, छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? छिबरोपन बिजली परियोजना जो है ये, देखिए, घाघरा नदी के ऊपर है। बी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 37, कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में भारत का जो पोजिशन है वो है, देखिए, सेकेंड नंबर का। ठीक है, द्वितीय। बी करेक्ट हो जाएगा। 38, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया? देखिए इसका जो स्थापना है ये किया गया था 1962 में। सी करेक्ट हो जाएगा। 39, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40 देखते हैं, नंबर 40 क्या है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो इसका जो विस्तार है, देखिए, ये काली से तिस्ता तक है। काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है, जिसका एरिया लगभग 800 किलोमीटर तक का माना जाता है। ठीक है, 41, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? ये जो वक्तव्य है ये ना ही केसी वियर का है, ना ही जवाहरलाल नेहरू का है, ना ही सरदार पटेल का है। तो यहाँ डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये जो वक्तव्य है, ध्यान रखें, ये B.R. अंबेडकर जी का वक्तव्य है। इन्होंने ही आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने के बारे में इन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के लिए ये संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने ही इनको दिया है। ठीक है, चलिए 42, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो निर्णय लिया जाता है, देखिए, ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 43, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये जो है, देखिए, ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया था, इसने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? उन्होंने जो है, देखिए, द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। ठीक है, 1970 में अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का प्रणाली का प्रतिपादन किया था, और इस समिति में कुल 13 सदस्य थे, जिसका गठन पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए किया गया था। 45 सॉरी, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? ये जो है, देखिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा। ठीक है, मौलिक अधिकार का राष्ट्रपति में महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 46। संविधान के लिए किस सूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष उपबंध किया गया है? ये जो है देखिए पांचवी अनुसूची के तहत ये करा गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र को प्रशासन के बारे में जानकारी छठी अनुसूची में इसमें दी गई है और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध किया गया है। 47। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो है 20 सीटों का, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुल मिला के 552 सीटें लोकसभा में होती हैं, जिसमें से 530 सीटें राज्यों के द्वारा जो है सो चुना जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 20 सीटों का चयन किया जाएगा और जो दो सीटें हैं ये राष्ट्रपति जो है ये दो सदस्यों को मनोनीत करेंगे, यही है प्रावधान। 48। देखिए बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो संसद में ये जो है देखिए साल 1976 में पारित किया गया था बंधुआ मजदूर अधिनियम। अब देखते हैं 49। निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं है अगर हम उसकी बात करें, कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है, तो ये है देखिए भाग तीन। भाग तीन जो यहाँ पे दिया है मौलिक कर्तव्य, ये गड़बड़ है, मौलिक अधिकार भाग तीन के अंतर्गत आता है ना कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 50। वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने अनिवार्य हैं? तो वर्ष में कम से कम दो बार, ठीक है, लोकसभा का सत्र बुलाया जाना कंपलसरी है। 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है, जो कि आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट जारी करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 52 नंबर। संपत्ति का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार को जो है देखिए ये हटाया गया था 1978 में, ये मौलिक अधिकार से हटा के इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 53। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रिवर सूत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो है देखिए गीता मेहता, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला ये मिला था देखिए 1977 में, डी करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है, ठीक है। चलिए 55। इनियक क्या था? तो इनियक जो है देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इनियक, बी हमारा सही हो जाएगा। 56। हाल ही में किस राज्य सरकार में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की शुरुआत की है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की जो योजना की शुरुआत हुई है ये करा है देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं। 57 देखिए, बीसीसीआई ने खेलो इंडिया में पहली बार किस ट्रॉफी के 2020 के सत्र को रद्द करने का फैसला किया है? तो ये जो है इन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2020 के सत्र को कैंसिल करने का फैसला लिया है, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत करी है? तो ये जो अभियान का स्टार्ट किया गया है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ए सही हो जाएगा। केरल राज्य सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव में सुधार हेतु तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु वोट बंदी अभियान की शुरुआत करी है, ठीक है। चलिए 59 देखते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज को AIBA की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया देखिए मैरी कॉम को किया गया है, सी सही हो जाएगा। 60। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ईज लिविंग 2020 की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो वो जो शहर जो पहले स्थान पर है वो है देखिए शिमला, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 61। हाल ही में किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग की मेजबानी करी है? तो डेजर्ट फ्लैग की जो मेजबानी करी है ये करा है देखिए UAE ने, बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 62। रॉबर्ट इरविन ने वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है, उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था? देखिए उनकी तस्वीर का जो शीर्षक की अगर हम बात करें, उनकी तस्वीर का शीर्षक था देखिए बुश फायर, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 63। 30वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार जो है ये मिला है देखिए मोहन कृष्ण वोहरा को, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इन्हीं को ये जो सम्मान मिला है उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मिला है। मोहन कृष्ण वोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार। 64, चर्चित पुस्तक वाहना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? देखिए, वाहना मास्टर क्लास के जो लेखक हैं, अगर इनकी बात करें, ये हैं, देखिए, अल्फ्रेडो कोवेली। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर देखते हैं। हाल ही में श्री तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से रिलेटेड थे ये? तो ये जो है, देखिए, तमिल के एक वेटरन पत्रकार थे। ए करेक्ट हो जाएगा। 65, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है, ये करा गया, देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। डी सही हो जाएगा। 67, दावोस संवाद 2021 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये संवाद जो है, ये इसका जो आयोजन है, ये करा गया, देखिए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68, आर्थिक समीक्षा 2020-21 का संबंधित तथ्य पर विचार करना है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा के ऊपर। तो ये जो संबंधित तथ्य है, देखिए, इसमें तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले इसमें हो जाएगा कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.4 रही, सही बात है। राजकोषीय धारा 3.5% रहा, ये भी सही बात है, ठीक है। ये वाला, इसका विषय जीवन अभिव्यक्ति की सुरक्षा है, ये वाला गड़बड़ है। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा, यानी ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं। आइए, RBI ने मार्च 2021 में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI के द्वारा जिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है, वो है SBI। बी सही हो जाएगा। 70, हाल ही में किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है, ये हो गई है अब न्यू दिल्ली। सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है न्यू दिल्ली, जबकि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर शिनजियांग को घोषित किया गया है, ठीक है। 71 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट मेक मूवमेंट की शुरुआत की है? तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, ये करा गया, देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। डी सही हो जाएगा। 72, महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार ने अभय ऐप को लॉन्च किया है? तो अभय ऐप जो है, ये स्टार्ट किया गया, देखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 73 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? देखिए, इंटरनेशनल महिला दिवस जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021 का जो थीम था, वो था वुमन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन COVID-19 वर्ल्ड। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 74, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है, देखिए, ये मध्य प्रदेश से हुआ है। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के निकट भीमबेटका यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र में जो है, दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म ड्रिकोसोनिया का खोज किया गया है। 75, वर्ष 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश की बात करें, वो है, देखिए, चाइना। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 76, पद्म अवार्ड 2021 के तहत कितने लोगों को पद्मश्री देने की घोषणा करी गई है? तो ये जो है, लगभग, ध्यान रखें, ये लगभग 102 लोगों को 2021 के तहत पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। 77, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78, निम्न में से किस पर ध्वनि का तारित्व निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि का तारित्व जो है, ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 79, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो वो बल जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, वो है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, द्रव्यमान पर जो है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 81, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमान स्वर कितना होना चाहिए? तो आवासीय क्षेत्र यानी रेजिडेंशियल एरिया में शोर का जो रात के टाइम में अनुमानित जो होना चाहिए, 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें, ये होता है, देखिए, वाई किरणों का। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 83, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए, इसका जो कुल प्रतिरोध की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा ए, ठीक है।
84 आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए विद्युत ऋणात्मक पर जो है ना, ये जो प्रभाव पड़ता है इसके हिसाब से ये घटता है। ए हमारा सही हो जाएगा। 85 शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? देखिए शराब का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.8। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 86 केसेराइट निम्न में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है? केसेराइट जो है ये प्रमुख अयस्क है मैग्नीशियम का। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 87 परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अगर इसकी हम बात करें, ये है 2882। बी करेक्ट हो जाएगा। 88 निम्न में कौन सा ठोस स्नेहक का उदाहरण है? स्नेहक का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है देखिए ग्रेफाइट। बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट ठोस स्नेहक का एग्जाम्पल है, राइट। 89 निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? इन सब में ज्वलन ताप जिसका सबसे कम है वो है देखिए डी, पेट्रोल का, ठीक है। ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर, किसी पदार्थ को जलने में आवश्यकता जो आवश्यक मिनिमम टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर उपलब्ध कराता है। और इन जितने भी ऑप्शन हैं ये चारों, इनमें से पेट्रोल जो है इन्हीं का ज्वलन ताप सबसे कम है। 90 निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? जड़ का जो उदाहरण नहीं है वो है यहाँ पे आलू, गाजर, मूली, ये दोनों जो है जड़ के उदाहरण है। 91 टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? देखिए टिक्का रोग जो है ना ये होता है मूंगफली में, ठीक है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। टिक्का मूंगफली की फसल में ये रोग होता है और इस बीमारी में पौधे की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, पैचेस आ जाते हैं। चलिए 92 देखते हैं, जीवाणु कोशिका में सूत्र कर्णिका की संख्या कितनी होती है? सूत्र कर्णिका की जो संख्या की बात करें ये जो होती है ये शून्य होती है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 93 निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? इंसुलिन का जो रिसाव है देखिए ये बीटा कोशिका के द्वारा होता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 94 मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो है उरु अस्थि, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए उरु अस्थि जो है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं, ठीक है, फीमर, इसी को हिंदी में उरु अस्थि बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? जांग में होता है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी अस्थि जो होती है वो हमारे कान के पीछे वाले हिस्से में होती है जिसको स्टेपीज बोलते हैं, ठीक। चलिए 95 देखते हैं, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो रेशेदार प्रोटीन का जो उदाहरण है यहाँ पे वो है देखिए केराटिन। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह प्रोटीन बाल, नाखून, सिंग इन सब में पाया जाता है, ठीक है, यानी हमारे बाल, नाखून वगैरह में केराटिन जो है ये पाया जाता है। 96 यहाँ से मैथ से क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व डेफिनेटली करें। 3087 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगा? तो एक पूर्ण घन जो प्राप्त संख्या होगा वो है देखिए 3 नंबर। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 97 यदि ए प्लस 1 बाई बी इजक्ल टू 1 तथा बी प्लस 1 बाई सी इजक्ल टू 1 तो सी प्लस 1 बटा ए इजक्ल टू क्या होगा? तो ये जो है देखिए 2 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 98 एक दुकानदार 2 कुर्सी में से प्रत्येक को 400 में बेच के एक कुर्सी पर उससे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? देखिए कुल सौदे में जो है ना उसे 4% की हानि हुई है। 99 देखते हैं, किसी धन राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 और 840 रुपये है, वह धन राशि कितनी है ये बताना है। वो जो धन राशि है देखिए वो हो जाएगी 4000 रुपये, ए करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, एक शंकु तथा एक गोले की जो त्रिज्या है एवं आयतन समान है तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? इन दोनों का जो अनुपात है देखिए ये 1:2 हो जाएगा, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेट नंबर 8 सुपर प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आज का जो कट ऑफ था 71 इसको आपने टच किया होगा और इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर हमारे साथ साझा करें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर डेफिनेटली करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।